पौष्टिक चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं इस तरीके से राउंड कुशन बनाना शेयर कर रही हूँ, जिसे हम घर पर वॉश कर सकते हैं और इसे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ये साटन का कपड़ा लिया है, इसे डबल फोल्ड करके इस तरीके से रखना है। इसकी लंबाई 18.5 इंच। इस कपड़े को सारे को मैं रख लूँगी, आप लंबाई 15 इंच पर भी रख सकते हैं और चौड़ाई 42 इंच 45 इंच पर निशान लगा लिया है। और जो खुली वाली साइड है उसे स्टिच कर लेना है। इसे स्टिच कर लिया है और इसे खोलकर सीधी वाली साइड को इस तरीके से रखना है। स्टिच करने के लिए इसे बड़ी सुई और पक्का धागा लेना है। ध्यान रखना है कच्चे धागे से इसे स्टिच ना करें, नहीं तो धागा टूट जाता है। और धीरे धीरे इस तरह से स्टिच कर लेना है। राउंड कुशन बनाने की वीडियो मैंने पहले भी अपलोड की है। स्टिचिंग की बची हुई कतरन से राउंड कुशन बनाया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसे मैंने राउंड में स्टिच कर लिया है और दोनों धागों को ऐसे खींचकर इकट्ठा करना है और कपड़े को सेट कर लेंगे और इसके 4-5 गांठ अच्छी तरह से लगा लेनी है। ये धागा थोड़ा लंबा है, इसलिए मैंने इसे कट कर लिया और अब 4-5 गांठ अच्छी तरह से दे देनी है ताकि ये खुले ना। और इस सीधे वाली साइड से कपड़े को सेट कर लेना है। अब इस साइड हम इसके अंदर फाइबर डालेंगे। फाइबर फ्लफी होती है तो इसे थोड़ा थोड़ा करके डालें और ऐसे सेट करके जैसे हमने दूसरी साइड स्टिच किया था, इस साइड भी पक्का धागा डालकर इसे स्टिच करना है। देखिए राउंड में मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब दोनों धागों को बराबर पकड़कर ऐसे रख लेना है। अगर आपको लगे कि इसके अंदर फाइबर और डलेगी तो आप इसमें डाल सकते हैं। अब दोनों धागों को जो मैंने पकड़े हुए थे इन्हें इस तरह से खींचना है और यहाँ पर भी 4-5 गांठ पक्की दे देनी है। कपड़े को ऐसे थोड़ा खींचकर सेट कर लेंगे और इसके ऊपर अब एक बटन लगाना है। ये कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया क्योंकि दोनों साइड बटन लगाने हैं, तो इसके मैं 2 पीस कट कर लूंगी और इसके अंदर ऐसे फाइबर रखकर इसे गोलाई में लपेटकर इसे सुई से स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पर इसे जो बटन बनाया है ऐसे करके सुई से अंदर कपड़ा जो एक्स्ट्रा बचा था उसे डाल देंगे और इसे स्टिच कर लेना है।
एक साइड का बटन लगा लिया है, इसी तरीके से दूसरा बटन भी लगा लिया है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ये राउंड क्वेश्चन बनाना कैसा लगा। लाइक करें, शेयर करें। जो मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।